दीदी मेहंदी ऐसी लगाना जो कम से कम 4 से 5 घंटे ना गिरी रहे, इनफैक्ट पूरे दिन गिरी रहे, इवन बेटर। तू भी कमाल है लीला, लोग ऐसे मेहंदी लगाते हैं कि झट से सूख जाए ताकि काम पे लग सके। काम करने वालों को वर्कर्स कहते हैं, एंड मैं वर्कर थोड़ी हूँ, आई एम अ प्राउड काम चोर। और वैसे भी यार, जब सासू ये कहेगी कि क्या हो गया, काम क्यों नहीं हो रहा, हाँ तुम्हें मेहंदी लगी थी क्या, बोल दूंगी लगी है, देख ले। वैसे ना मेहंदी से प्यार का टेस्ट भी हो जाता है। आई मीन जिसकी मेहंदी का कलर जितना डार्क होगा ना, उसका पति उसे सबसे ज्यादा प्यार करेगा। कैसी दकियानूसी बातों पर विश्वास करती हो तुम सोनिया। सुनिए ये यहाँ पर ना देखिए, मेरी मेहंदी का रंग एकदम डार्क आना चाहिए, आप भले 100 रुपए एक्स्ट्रा लेकर कलर मिला लीजिए। क्या करूं, कैसे मांगू मंगलसूत्र, और मांगूंगा तो देगी क्या, देगी क्यों नहीं, तब प्यार करती है मुझसे। आज 12 बजे के बाद तो करवा चौथ शुरू हो जाएगा, और करवा चौथ वाले दिन तो शादीशुदा औरतें कुछ ज्यादा ही शादीशुदा हो जाती हैं। क्या करूं? वैसे प्रिया, राजीव तुझे क्या गिफ्ट देने वाले हैं करवा चौथ पे? करवा चौथ कोई बर्थडे थोड़ी ना है कि गिफ्ट देंगे। क्या इसका मतलब तू फ्री में भूखी रहेगी? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि राजीव मुझे हर करवा चौथ पर ना सरप्राइज देते हैं, उन्हें मुझे सरप्राइज देना बहुत अच्छा लगता है। हाँ जैसे सुबह पेपर में दिया था वैसे ही ना। आई मीन बिंदिया को ज्यादा ही नहीं क्लोज चिपकी हुई थी राजीव के साथ, सरप्राइज तो मैं भी हो गई थी उस टाइम पर। एक बात माननी पड़ेगी, प्रिया का दिल बहुत बड़ा है। आई मीन अपना पति किसी और हीरोइन के साथ, पर लड़की को बिल्कुल जलन नहीं है। इसमें जलने की क्या बात है, बस अपने पति पर पूरा भरोसा होना चाहिए। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अपने राजीव पर। वाह प्रिया, तेरे भरोसे को ना रेड एंड व्हाइट ब्रेवरी अवार्ड देना चाहिए। अरे प्रिया, राजीव ने तुझे बिंदिया का कोई लेटेस्ट इंटरव्यू दिखाया क्या? क्या, कौन सा इंटरव्यू? क्यों कर रही है मत बताओ, दिमाग खराब हो जाएगा उसका। अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, और बिंदिया ने राजीव के बारे में थोड़ी बात की थी, और वैसे प्रिया जलती थोड़ी ना है। ये कौन से इंटरव्यू की बात कर रही हो तुम, मुझे अभी का भी दिखाओ। अब एक पर्सनल सवाल, सुनने में आया है कि आपका आपके सेट पे एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। वैसा तो ऐसा कुछ है नहीं, पर अगर है भी तो मैं आपको क्यों बताऊं? मतलब आप इनकार भी नहीं कर रही हैं। समझदार को इशारा ही काफी है। प्रिया समझदार, अगर मैं उसे बैठ के समझाऊंगा कि मुझे एपिसोड में बिंदिया की शादी के लिए मंगलसूत्र चाहिए तो वो दे देगी। देगी अब डरने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि डर के आगे मंगलसूत्र है। हाँ। देखा तूने, बिंदिया ने ना हाँ किया ना किया, और कैसे वो हंसकर आंख मार रही थी। आई एम श्योर इसका किसी ना किसी शादीशुदा के साथ तो ना डेफिनेटली अफेयर चल रहा है। पता नहीं किसके साथ चल रहा है। प्रिया सुनना, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपनी सहेलियों के साथ मेहंदी लगवा रही हूँ, जो भी कहना है भाई से कहो। वो प्रिया वो ना मुझे वो अरे राजीव जी, अब मेहंदी लगाते हुए तो वो उठेगी नहीं, तो जो बोलना है यही बोल दीजिए ना। प्रिया वो क्या कर रहे हो, सीधी सीधी कहो ना क्या चाहिए तुम्हें। अरे वो तुम्हारा मंगलसूत्र चाहिए मुझे। हाँ देखो प्लीज मना मत करना, अम्मा की खुशी इसी में है, तुम्हारा मंगलसूत्र जाके मुझे बिंदिया को पहनाना है। अरे तुम तो ऐसे खामोश हो गई हो, खामोशी का मतलब हाँ होता है हमारे सीरियल में। मेरा मंगलसूत्र? अरे नहीं 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 अभी मत दो, मैं आके लेता हूँ तुमसे ना थोड़ी देर में, अमानत समझ के अपने पास रखना। थैंक यू, शादी वाले एपिसोड में आएगी टीआर। सुन, हाँ बाबूजी क्या बात है, बड़ा मोर हुए जा रहा है बिन बरसात के। अरे बात ही कुछ ऐसी है, कल बिंदिया की शादी है और उसके लिए जो चैनल ने मंगलसूत्र फाइनल किया था ना वो घूम गया था, प्रिया का मंगलसूत्र सेम टू सेम, और वो मंगलसूत्र देने के लिए मान गई। कितना बड़ा दिल है ना उसका। अरे नालायक, कितना छोटा दिमाग है तेरा। क्यों? अरे करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी से कोई मंगलसूत्र मांगता है भला, वो भी किसी और को पहनाने के लिए। ये सब बातें प्रिया के सामने मत करना,
नहीं तो वो मंगलसूत्र देगी नहीं और मैं बहुत बुरा फंस जाऊंगा। प्लीज। अरे पागल है क्या, मैं किसी से क्या कहूंगा, तू जा आराम से सो जा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। पक्का ना? अरे निश्चिंत हो, सो जा। अरे तुम सब चुप क्यों हो गई, चलो चलो मेहंदी लगाओ। आप ना मेरे हाथ पे वो एक हार्ट बना दीजिए एरो के साथ, क्यूट लगेगा ना। प्रिया तू ऐसे कैसे बिहेव कर सकती है जैसे कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ है? राइट, कुछ भी नहीं हुआ। करवा चौथ के दिन एक पति अपनी पत्नी से मंगलसूत्र मांगता है किसी और औरत को पहनाने के लिए। आई एम श्योर कि राजीव की कोई मजबूरी होगी। अरे प्रिया तू कितनी इनोसेंट है। हाँ तूने देखा नहीं उस पेपर में राजीव और बिंदिया की क्लोजनेस, उसके बाद राजीव तुझसे मंगलसूत्र मांग रहे हैं वो भी बिंदिया के लिए। अरे यार इन सब चीजों को कनेक्ट कर, कब तक हम तुझे बताते रहेंगे ये सब। हाँ ये सब क्या कह रहे हो तुम दोनों, चल छोड़ जाने दे सबको, बस तू एक बात का ध्यान रख, कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पर डाइवोर्स पेपर पे साइन मत करना। लॉयर ना मैं तुझे करके दूंगा, तू चुपचाप उल्टा राजीव पे केस ठोक दे और घर प्रॉपर्टी और गप्पू को अपने नाम कर ले। डोंट वरी यार, हमने दुनिया देख रखी है, तुझे दुनियादारी हम लोग सिखाएंगे। ये क्या बातें कर रही हो तुम सब, मुझे नहीं सीखना है तुम लोगों से कुछ भी। मैं अभी सीधा जाकर राजीव से बात करती हूँ, तुम सब लोग घर जाओ। सुना नहीं मैंने क्या कहा, सब घर जाओ। ओके मैम, आपकी मेहंदी का कलर डार्क कर दूं, वैसे आपको जरूरत भी है। ठीक है रहने दो, मैं अभी जाती हूँ। गुड नाइट बेटा। सॉरी बाबूजी, गुड नाइट। नहीं कोई बात नहीं बेटा, तो कुछ परेशान लग रही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं बाबूजी, कुछ नहीं। बेटा एक बात कहना चाहता हूँ, तू बहुत भोली है और मेरा बेटा बेवकूफ है। तू अगर हंसीनी है तो मेरा बेटा दरियाई घोड़ा है, डिफरेंस समझ रहे हैं? नहीं बाबूजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख बेटा मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, एक शादीशुदा औरत को अपना मंगलसूत्र किसी को निकाल कर देना नहीं चाहिए। आपको इसके बारे में कैसे पता चला बाबूजी? अरे वो नाश्ता हुआ आ रहा था मोरनी की तरह गधा कहीं का, लेकिन बेटा उसने ये ठीक नहीं किया। इतनी बड़ी बात इतनी कैजुअली कह दी मेरी सारी फ्रेंड्स के सामने, अब वो मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। ये बिल्कुल ठीक नहीं किया है राजीव ने, अभी जाकर उससे बात करती हूँ। अरे ये सो गए, इनको तो अभी नहीं 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 प्रिया, 12 बज गए, करवा चौथ है और करवा चौथ के दिन हम अपने पति से झगड़ते नहीं हैं, जो भी बात करनी है सुबह करेंगे। All is well. भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अरे पिंड छूटा पुरानी वाली से, लल्ला डाल दे मंगलसूत्र, डाल दे इसके गले में मंगलसूत्र लल्ला। अरे बैंड बजाओ। नहीं कैसा वहम बैठ गया है मेरे दिमाग में, लगता है अब अम्मा जी से ही बात करनी पड़ेगी तैयार होके, उन्हें तो वैसे ही हर चीज की खबर रहती है। नमस्ते, आज आपके बिंदिया की शादी है, आइएगा जरूर। हाँ हाँ बिंदिया हम जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। ये देखो हमने तो साड़ी भी निकाल रखी है। हाँ। देखा जी आपने कैसे शर्माती है ये, इसे तो शर्म भी आती है और हमारी बहू उसे तो वो भी नहीं आती। खैर छोड़िए ये सब, आप हमें ये बताइए ये साड़ी कैसी है। बहुत अच्छी।
आज रात को बिंदिया की शादी में हम यही पहन के जाएंगे। अच्छा? हाँ। टीवी में घुसोगे? टीवी में क्यों घुसेंगे, टीवी के सामने तैयार होकर बैठेंगे, शादी वाली फील आनी चाहिए ना। हाँ, आखिर आज रात को हमारा उम्मीदों से पाला सपना सच होने जा रहा है, बिंदिया को बहू बनते देखने का सपना। अरे कमाल करती हो तुम, एक को तो बहू बनते देखा है तूने, और कितनों को बहू बनते देखोगी। प्रिया भी कोई बहू है, वो तो राहु है। बहू तो ये बनेगी बिंदिया, और ऐसी बहू बनेगी कि हर बहू के लिए मिसाल होगी। हाँ। और हर सास की सांस से सांस आएगी ये देखकर कि आदर्श बहुएं अभी भी जिंदा हैं। हेलो, अरे तुम्हारा मैसेज मिला, क्या सच में आज बिंदिया की शादी है? हाँ मनोरमा, सच में आज रात को बिंदिया की शादी है। और तुझे पता है हमारा राजीव उसके गले में मंगलसूत्र पहनाने वाला है। अच्छा, हमने तो साड़ी गहने चूड़ियां सब निकाल के रख लिए हैं। हाँ मनोरमा, अभी तैयारियां शुरू कर दे। ये तो बहुत खुशी की बात है, हम भी जल्दी से तैयारी शुरू कर देते हैं। ओहो, अब क्या है? आप ऐसे लचड़ पचड़ चप्पल घसीटते हुए मत आ जाइएगा टीवी के सामने। हम क्या कह रहे हैं, आपके लिए सूट निकाल देते हैं। सूट? हाँ, आप सूट पहन के टीवी के सामने बैठिएगा, ये ठीक रहेगा। हम अभी आते हैं। आजा जल्दी, सूट पहन के देखेंगे टीवी। कमाल है, इतने सालों से हमें जानती है लेकिन भूल गई कि हमें जो कहा जाता है हम ठीक उसके उल्टा करते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ बारात आएगी और यहाँ खड़ी होगी घोड़ी, और घोड़ी पे बैठेगा गधा, और गधे के सामने डांस करेंगे बंदरों की तरह ऐसे दोस्त, और ये है वो मंडप। आगे स्पेशलिस्ट को बुलाया मैंने, और इसे दिया। अरे पता करो वो बिंदिया मैडम आई कि नहीं, और मंगलसूत्र का क्या हुआ, पता करो। सर मंगलसूत्र मिल गया सर, सर बिंदिया मैडम की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। कैसे खुश हो रहा है जैसे कन्यादान ये करेगा। माय गॉड, आई एम सो टायर्ड। तो आ गई आपकी हीरोइन। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग फॉर द पार्टी। अब स्पॉट दादा को बुलाएगी। स्पॉट दादा, एक लेमन टी देना। मेरे लिए एक लेमन टी लेके आना, और उसमें दो नींबू डालना। ये प्रोडक्शन वाले इतने कंजूस होते हैं कि अपना एक नींबू भी बचा लेते हैं। जाओ। एक बात और बोलेगी। बोलेगी, हेलो सर, कल रात में सो नहीं सकी, जरा देखिएगा कि मेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे दिखाई ना दे। हाय। हेलो, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर कल रात में सो ही नहीं पाई, जरा ध्यान दीजिएगा कि मेरी आंखों के नीचे जो काले गड्ढे हैं ना वो दिखाई ना दे। ऐसे तो है नहीं, पर जो नहीं है वो भी दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आई मीन फैंस को बुरा लगेगा, और कुछ नहीं है। आप फिक्र ना करें, हम सब संभाल लेंगे, सब। थैंक यू सो मच, मैं मेकअप करके आती हूँ। मेकअप लाता, चलो। ओह माय गॉड, इट्स सो हॉट। Hey, sorry बोल। Sorry sir। अरे मुझे नहीं होने sorry बोल। Sorry ma'am। Idiot। कुशल और बिंदिया का सीन। बिंदिया तो आगे, कुशल नहीं आया अभी तक। Spot दादा, Spot दादा। हाँ मैडम। अरे कुशल आ गया क्या? अरे मैडम, अगर कुशल सर आ गए होते तो अब तक आपको उनकी आवाज सुनाई नहीं दी होती। Spot दादा, मेरा प्रोटीन शेक कहाँ है? अरे वाह, आप तो सेम टू सेम उसकी आवाज में बोल रहे हो। नेक्स्ट टाइम उसकी आवाज खराब हो गई ना तो आपसे डबिंग करवाऊंगी। अरे उसके लिए पहले मुझे डायलॉग तो दो बोलने के लिए। तुमको तो बस यही लगता है कि मैं सेट पे आता हूँ, प्रोटीन शेक पीता हूँ, चला जाता हूँ ना। नहीं नहीं, ऐसा क्यों लगेगा सर? तुम्हें पता है पिछले 10 एपिसोड से मैं सिर्फ 10 शब्द बोले हैं मैंने, और वो ये है। बिंदिया, 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 बिंदिया। अरे गिनना बंद करो, गिनना बंद करो।
दस बार से बिंदिया बोला है मैंने और कुछ भी नहीं। मेरी माँ है ना, मेरी आवाज सुनने के लिए तरस गई है वो, पता है तुम्हें? अरे तो फोन पे बात कर लीजिए ना, और उसका जो बिल आएगा ना वो हक से राजी सर के हाथ में थमा दीजिएगा, एकदम बिंदिया मैम की तरह। फोन पे नहीं, सीरियल में, एपिसोड में। हाँ तो सुनेगी ना, क्यों नहीं सुनेगी, आपके मुंह से ही सुनेगी। मैं बात करती हूँ राइटर से, हाँ तब तक आप, मैं आपके लिए प्रोटीन शेक लेके आऊं? नहीं कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार आपका कोई प्रोटीन शेक है ना मेरी मांग को शेक नहीं कर पाएगा, समझे? सॉरी, हिला नहीं पाएगा। और तुम मैडम, मुझे डायलॉग चाहिए, मतलब मुझे डायलॉग चाहिए। क्या सर, मांगने से अगर सब कुछ मिल जाता तो मैं भी प्रोड्यूसर होती ना शो की, और मैं सीरियल का हीरो। हीरो तो बन जाओ हीरो, मैं चला घर। बनो सर, 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 हीरो तो आप ही है ना सर, क्योंकि आप हीरो दिखते हैं। अरे दिखते हैं का क्या मतलब है, सर है हीरो, सर आपकी पर्सनालिटी देखिए, वरना दूसरे शोज के हीरो को देखिए, हीरोइन के आगे नौकर लगते हैं। सच? झूठ? झूठ? झूठ क्यों बोलेंगे सर हम आपसे? सर आपका फेस देखिए, आपका फेस देखने के लिए ही तो हमारी औरतें टीवी का चैनल रुका के हमारा शो देखती है। और ना कहां बिंदिया मैम और कहां आप? अरे मतलब कहां बिंदिया मैम और कहां आप, ये बोलने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सही कहा तुम लोगों, कहां मैं, एक्टिंग की दुकान, और कहां वो बिंदिया, ठीक का बकवास। और तो और ये आज का सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जल्दी से रेडी हो जाइए, और हाँ सर बाइसेप्स जरूर मार के आना, पंप। ऑफकोर्स प्रोटीन शेक लाता हूँ। हाँ माँ, सुना आपने, मैं एक्टिंग के आसमान का फूल और वो धूल। मन तो कर रहा है ये गरम चाय उनके सिर पे डाल दूं, लेकिन आज करवा चौथ है, बात को प्यार से समझाना पड़ेगा, वरना कहीं बात और बिगड़ गई तो। चाय? देखा, खुद करवा चौथ का व्रत और मेरे लिए चाय, बिस्किट और केक, इसमें जरूर कोई चाल है। मेरे करवा चौथ के व्रत का टेस्ट लिया जा रहा है, लेकिन मैं फंसूंगा नहीं। I'm fine. तो केक खा लो, भूख नहीं है। बिस्किट? मन नहीं कर रहा। मेरे हाथ की बनी चाय और केक खाने में तुम्हें तकलीफ है, लेकिन मेरे गले में लगा हुआ मंगलसूत्र मांगते हुए बुरा नहीं लगा तुम्हें? देखो प्लीज, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो तो मुझे दे रही हो। मैं बिंदिया, हाँ क्या मतलब है तुम्हारा? उसी का फोन आ रहा है, एक मिनट। हाँ बिंदिया। सर ये जो अगले एपिसोड में हम सुहागरात का सीन शूट करने वाले हैं ना, आई रियली वॉन्ट टू नो सर कि ये सीन हम कैसे शूट करेंगे। अरे तुम, हल्दी का दूध पिलाना, केसर इलायची खिलाना, ये सब हर सीरियल में होता है सर, पर मुझे लगता है कि बिंदिया को कुछ अलग करना चाहिए। You know, she should not be like the rest, sir. अरे तुम, हनीमून के सीक्वेंस का लोकेशन भी अभी डिसाइड कर लेते हैं। अभी से बिंदिया वर्ल्ड की सबसे चहेती बहू किसी उमरगांव जैसी जगह में अपनी हनीमून कर रही है, it's gonna look so stupid. नहीं नहीं नहीं, I have an idea. बिंदिया should go abroad, like Switzerland or Paris or something like that. अरे तुम अभी से सुहागरात के बारे में क्यों सोच रही हो? शादी, शादी के बाद सुहागरात, सुहागरात के बाद हनीमून, इस सब का ग्राफ मेरे दिमाग में छपा हुआ। मैं तुम्हें बैठ के डिटेल में सब कुछ समझाऊंगा, अभी शूटिंग करो आराम से, ओके? बाय। शादी से लेकर सुहागरात तक का ग्राफ तुम्हारे दिमाग में छपा हुआ है? सब करना पड़ता है ये। अरे उस शादी का जोड़ा लेकर बिंदिया का तन्वी सेट पे आ रही थी, अब मैं निकलता हूँ। अच्छा बेबी, मंगलसूत्र निकाल देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच कहकर मुझसे मेरा मंगलसूत्र मांगा जा रहा है, क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? अगर ऐसे ही चलता रहा ना, मैं अपने गप्पू को लेकर हिमालय शिफ्ट हो जाऊंगी। मम्मा, आए मेरा गप्पू, मेरा बच्चा। मम्मा के लिए किस्सा मत किया करो। अच्छा ठीक है, नहीं करती। अच्छा मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या? अरे वाह, मम्मा पापा की इतनी सुंदर तस्वीर बनाई आपने। अरे मम्मा ये आप नहीं हो, ये तो पापा के साथ बिंदिया आंटी है। मैंने पेपर में देखा था तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने इसे बना ली। कैसी है? अच्छी नहीं है। अब आज से आपकी ड्राइंग बंद और आपकी ड्राइंग क्लासेस भी बंद। आप मुझसे प्यार नहीं करती हो। मैं पापा को बोल दूंगा कि मेरे लिए
बिल्कुल अपने पापा पर गया है। पापा को इसमें नई बीवी, इसे नई माँ और मेरी सासू माँ को इसमें नई बहू नजर आ रही है। बिंदिया सर, हनीमून के लिए मेरे पास एक बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा बताओ अपना आइडिया जरा। वरना एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक अच्छा आइडिया बताती हूँ। प्रिया जी देखो बिंदिया, मेरी बात ध्यान से सुन लो। मेरे पति राजीव सिर्फ मेरे हैं, मेरा बच्चा कप्पू सिर्फ मेरा है, और मेरी सास उन्हें अगर तुम चाहो रख सकती हो, लेकिन मेरे बाकी परिवार की तरफ अगर आंखें उठाकर एक बार भी देखा ना, तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी।